नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आइए डालते हैं, क्या करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और कार्यक्रम का आज सुबह हेवन रिसोर्ट राजघाट रोड ललितपुर जनप्रतिनिधि एवं आला अधिकारियों की उपस्थिति में सजीव प्रसारण दिखाया गया। इस अवसर पर सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन, जिला अध्यक्ष भाजपा राजकुमार जैन सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वहीं मेहरौनी विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया, साथ में निवेशकों को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फोर में प्रदेश के साथ साथ जनपद के निवेशकों द्वारा अब तक 15,707 करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर आ चुका है और यह सब इकाइयां अब आगे जाकर उत्पादन की ओर अग्रसर है, जिससे जनपद में लगभग 6,000 से अधिक का रोजगार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सृजित होगा। जनपद में आयोजित आज इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फोर में 17 इकाइयों द्वारा 10 करोड़ से अधिक का निवेश जनपद में किया गया है। उन्हें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। मेहरौनी में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने निवेशकों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि जनपद में निवेशकों को उद्योगों की स्थापना हेतु पर्याप्त संसाधन एवं अनुकूल वातावरण मिलेगा। कार्यक्रम में सदर विधायक राम रतन कुशवाहा ने जनपद में निवेशकों में हेतु निवेशकों को बधाई देते हुए कहा कि जनपद ललितपुर में नए उद्योगों की स्थापना हेतु सभी संसाधन उपलब्ध हैं। यहां बिजली, पानी, सड़क व रॉ मटेरियल, जमीन, अच्छा वातावरण एवं सिंगल विंडो सिस्टम जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक, मुख्य विकास अधिकारी कमलकांत पांडे, जिला विकास अधिकारी KN पांडे, CMO डॉक्टर इम्तियाज अहमद, संबंधित विभागों के अधिकारीगण एवं विभिन्न क्षेत्रों के आए निवेशक गण उपस्थित रहे। आज जनपद ललितपुर के विकासखंड तालबेट में महिला और जल अधिकार परियोजना के अंतर्गत परमा समाजसेवी संस्था द्वारा महिला जल यात्रा का आयोजन किया गया। आयोजन के उपरांत तहसीलदार चंद्रकांत तिवारी तथा नायब तहसीलदार घनेन्द्र तिवारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया गया। ये देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। सिद्ध गोपाल जी जुड़ रहे हैं सीधे सीधे। सिद्ध गोपाल जी, आप लगातार लगे रहते हैं जल संरक्षण के लिए और हमेशा जो केंद्र सरकार की योजना है जन जन तक पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना, काफी कुछ प्रयास कर रहे हैं, क्या है ये? परमा समाज सेवी संस्था पूरे बुंदेलखंड में जल संरक्षण को लेकर काम कर रही है और आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह के नेतृत्व में ये कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं की पानी की हकदारी की बात की जा रही है। दूसरी बात ये है कि सरकार की जो भी विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे हम लोग कृषि विभाग की बात करें या उद्यान विभाग की योजनाओं की बात करें, तो लोगों तक पहुंचाना, जिससे कम पानी में अधिक उत्पादन लोग ले सकें और उन योजनाओं का जो तकनीकी योजनाएं जो चल रही हैं उनको उपयोग लोग कर सकें और गाँव में किसान किसी तरह से खुशहाली की जिंदगी जी सके। क्योंकि बुंदेलखंड में देखा जा रहा है कि पानी की समस्या बहुत ही जटिल जा रही, सिंचाई के संसाधनों का बड़ा अभाव है। अभी जल नल योजना का संचालन किया गया है, लेकिन पीने तक की पहुंच हो पाई है, लेकिन अभी भी लोग बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए जल संकट से जूझ रहे हैं। उसको लेके हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं, परमा समाज सेवी संस्था प्रयास ये कर रही है कि गांव में जाके लोगों को बताया जाए कि कम पानी में फसल कैसे की जा सकती है और उस पानी को बचाने में हम लोगों की क्या भूमिका हो जाएगी। क्योंकि समाज जब तक पानी को बचाने के लिए जागरूक नहीं होगा तो सरकार की कितनी भी योजनाओं का संचालन किया जाए वो संभव नहीं है पानी बचा पाना। तो सर, समुदाय को जागरूक करना और महिलाओं को, खासतौर पर महिलाओं को पानी की हकदारी की बात करना तथा उनकी समानता की बात करना, और जो गांव में लेवल में जो देखा गया है कि जो बाल विवाह जो आजकल हो रहे हैं, जिसके तरह से महिलाएं कुपोषित का शिकार हो रहे हैं, उनको उनके लिए जागरूक करना, जिससे आने वाले समय में जो लड़कियां हैं वो शादी ललितपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए कुछ छात्रों ने लामबंद होकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के जरिए भेजा। ज्ञापन में छात्रों ने 17 व 18 फरवरी को प्रथम और द्वितीय पारी में पेपर लीक होने का गंभीर आरोप लगाया। मुख्यमंत्री को ज्ञापन के जरिए अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 पद पर पेपर 17 व 18 फरवरी को प्रथम व द्वितीय पाली में संपन्न हुई। बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इसी कारण हेतु पेपर परीक्षा संपन्न होने से 2 घंटे पहले ही लीक हो चुका। ज्ञापन के जरिए बेरोजगार विद्यार्थियों ने पेपर लीक हो की पूर्ण जाँच कराए जाने और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा परीक्षा दोबारा संपन्न कराए जाने की मांग उठाई है। ज्ञापन देते समय अनिल कुमार आदमी फसल डालने के लिए दुकानदार पर गलत दवा देने का आरोप लगाते हुए किसान ने नष्ट हुई फसल के साथ DM के शिकायती पत्र भेजा है। DM को भेजे गए शिकायती पत्र में कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भरतापुर में निवासी किसान श्रीराम पाल पुत्र
रामपाल ने बताया कि वह खेती किसानी कर परिवार का भरण पोषण करता है। बताया कि इस वर्ष भी खेत में मटर की फसल बोई हुई थी। बताया कि उसने करीब 15 दिन पहले मुख्यालय के नाझाई बाजार स्थित एक दुकान जिसका नाम व पता जानता है से मटर की फसल डालने के लिए दवा खरीदी थी। आरोप है कि दुकानदार द्वारा दी गई दवाई को जब उसने अपनी मटर की फसल में डाला तो ललितपुर में मेहरौनी बार एसोसिएशन के तत्वावधान में तहसील मेहरौनी के समस्त अधिवक्ताओं ने आज तीसरे दिन भी क्रमिक अनशन जारी रखा। अधिवक्ताओं ने क्रमिक अनशन के दौरान बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों पर भी अपनी उपेक्षाओं के आरोप लगाए हुए हैं। इसमें बार के पूर्व सचिव बहादुर सिंह परमार, कैलाश नारायण तिवारी के नेतृत्व में न्यायालय का गेट बंद कर 11 बजे से 2 बजे तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।